पागल समझकर एक पेशेंट को मेरे पास मिलाया, निकला ब्रेन में इन्फार्क्ट। इसके बारे में बातचीत करने वाले, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक 50 साल के व्यक्ति को उसके लड़के ने मेरे पास मिलाया। बोले, ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ समझता नहीं है। खान पान का उनको ख्याल नहीं है, कभी खाते कभी नहीं खाते, और बाकी कुछ बोला तो ऐसा उल्टे पुल्टे कुछ भी जवाब देते रहते हैं, और बाकी सोते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना दिया तो खाते हैं, नहीं तो फिर कहीं तो भी चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और ऐसे पागल हो गए हम। करीब करीब 1 महीने से उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और साइकियाट्रिस्ट की तरफ लेके गए थे, फिजिशियन की तरफ लेके गए, उन्होंने ये पागल है और इसका इलाज हम करेंगे करके गोलियां दिया, मगर गोली देने के बाद में भी ज़्यादा हो रहा है। मैंने बोला, ठीक है बात करते हैं, क्या हो गया तो देखते हैं। मैंने उनको जांच किया, जब हम तपास लेते हैं तो मालूम पड़ता है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगा, अभी क्या होता है कि हमारी नज़र भी बैठ गई है अच्छी, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये प्योरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पागलपन नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है अंदर। तो मैंने उनका बीपी लिया, बीपी लिया तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर निकला। फिर मैंने बोला, यार आप बोलो ये पागल जैसा है, पागल जैसा है, ठहरो बैठा है इनको। एक तो उनकी क्या है कि वो देहात का था, एक अलग मतलब जमात का था, तो उनकी भाषा मुझे नहीं आती थी, थोड़ी बहुत आती थी हिंदी, उसको मुझे हिंदी आती है। तो उनको मैंने पूछा, तो जो बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था बराबर, मगर मैं जब पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि वो जवाब नहीं दे रहा बराबर। मैंने बोला, इनको पूछो कि भाई आज का दिन कौन सा है, तो उनकी भाषा में उनको पूछ रहे कि आज का दिन कौन सा है, तो वो बोलते, मेरा नाम फलाना फलाना है, धन सिंह है। मतलब भाई मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका आज का दिन कौन सा है, फिर से पूछो उनको। तो उन्होंने फिर से, उसके लड़के ने उनको पूछा कि आज का दिन कौन सा है, वार क्या है आज का, तो मैंने खाना खाया। मतलब वो मैंने एकदम, मेरा ये लग गया, लाइट लग गया कि भाई ये जो है, हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा है वो क्या कर रहा है, अंदरून उसको जो लग रहा है उसका जवाब दे रहा है, अंदरून उसको जो सुनाई आ रहा है उसका जवाब दे रहा है, अंदरून उसको जो लगता है कि ये क्वेश्चन शायद होगा उसका जवाब दे रहा है, अंदाज़ अंदाज़। फिर मैं उसको और एक दो सवाल किया, आपको लड़के कितने, बच्चे कितने हैं, तो बोलता है 3। अभी वो तो बराबर बोल दिया उसने। मतलब उनका नाम बताओ, तो उसने एक लड़की का उसमें नाम बताया, जब तीनों भी लड़के थे। मैंने बोला, इसमें गड़बड़ है। और जब डिटेल में गया तो उसको ना नाम बोलते आया खुद का, ना वार, तारीख, समय, कुछ नहीं बोल सका। यूजली क्या होता है कि साइकोलॉजिकल यदि प्रॉब्लम है, मतलब मानसिक प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं होता, उसको याद रहता है पूरा, उसको दिन याद रहता है, कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, इसको कुछ नहीं बोल रहा था। अपन जो बोल रहे थे उसको समझ में नहीं आ रहा था, और वो जो बोल रहा था वो अपने को समझ आ रहा था, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो तो ऐसे उठपटांग कुछ तो भी बोल रहा है, अंदर से जो आ रहा है वो बोल रहा है। हमको लगता है कि वो इरिलेवेंट बोल रहा है, और इरिलेवेंट था भी, समझ रहा था हमको कि क्या बोल रहा है, वो समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहा है। मतलब ऐसा कुछ तो भी, मैंने खाना नहीं खाया, मेरी लड़की का नाम ये है, ऐसा बोल रहा, मगर वो कुछ इरिलेवेंट है टोटल। तो बोला, ये अंदर प्रॉब्लम है, आप उसका सीटी स्कैन करवाओ। तो मैंने उसका सीटी स्कैन करवाया, अंदर निकला इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट मतलब क्या होता है कि ब्रेन के एक साइड का करीब करीब 1 रुपया का कॉइन जैसा है, उतना या उससे कम शायद, उसका इतना भाग जो है वो पूरा डेड हो चुका था, वहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो चुका था लेफ्ट साइड में। मतलब लोग 1 महीना तक, उससे ज़्यादा भी, उसका इलाज कर दिया, ये पागल है क्योंकि बहकी बहकी बातें कर रहा है। एक्चुअली बहकी बहकी बातें कर रहा था, मगर कारण क्या था कि यहाँ उसका ब्लड सप्लाई बंद हो चुका था, वो पागल नहीं था एक्चुअली। कॉम्प्रेहेंशन अफेजिया, मतलब कॉम्प्रेहेंशन नहीं आ रहा, एक्सप्रेसिव अफेजिया या मोटर अफेजिया बोलते हैं, कि जिसमें उसको बोलते नहीं आता, उसको कॉम्प्रेहेंशन भी पोअर होता है, मतलब समझता भी नहीं उसको क्या पूछा है, और वो जो बोलता है वो भी बराबर बोल नहीं सकता है, और टिपिकली अफेजिया रहता है। अफेजिया मतलब बोलने में दिक्कत रहती है उसको, ना अपन क्या बोलते समझ में आता है, या वो क्या बोलता अपने को समझता नहीं, क्योंकि वो इरिलेवेंट रहता है। तो इसमें कभी भी हमने ये देखना है कि भाई उसको अफेजिया है या उसको पागलपन है, और फिर वो तरह का इलाज। क्योंकि अभी क्या होता है कि ऐसे अफेजिक पेशेंट्स में यदि हम पागलपन की दवा देते हैं तो बीमारी ज़्यादा हो जाती है, हमको लगता है कि देखो ज़्यादा ही कर रहा है, फिर लोग बोलते नहीं, नहीं डॉक्टर साहब आपने दवाई दिया और हमारा पेशेंट और बिगड़ गया। जब और बिगड़ जाता है पेशेंट तो फिर और प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर क्या कहते, फिर और दवाई ज़्यादा दो, और दवाई ज़्यादा तो और बिगड़ जाता है। इससे अच्छा है कि दवाई बंद करना पड़ता है, दवाई गलत चल रही है, क्योंकि अंदर है इन्फार्क्ट और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं
कि जिनको पागल करके उनको डायग्नोस किया जाता है, पागल एक्चुअली वो पागल नहीं, वो इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किसी को ट्यूमर दिमाग में रहता है, ट्यूमर गठान, और वो गठान की वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें करना, बिहेवियर करना ऐसा होता है। और वो यदि हम अर्ली स्टेज में पकड़ सके, अर्ली स्टेज में एकदम पहले पायदान में, तो फिर उसकी सर्जरी भी हो सकती है। तो ऐसे आपके आसपास ऐसे पेशेंट रहेंगे तो जरूर उनको डॉक्टर के पास में लेके जाके इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन करने से ही डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।